प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स क्लास 7th के वर्कशीट नंबर 35। 3 दिसंबर की वर्कशीट है। टॉपिक है इस वर्कशीट का सिंपल इंटरेस्ट, और ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, साथ में SST की वर्कशीट भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है 3 दिसंबर की। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेट्स रिकॉल स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होता है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है, जो है वही उसी पैसे पे होता है। ये नहीं है कि उसमें ब्याज पे ब्याज जुड़ता जाएगा। तो अमाउंट पे जब हमें निकालना है तो प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को घटा दोगे तो अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ेंगे तब अमाउंट आता है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे यानी टोटल वैल्यू अमाउंट की होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। मैंने यही बताया था ना पिछले वर्कशीट में, PRT/100, इसी को इन्होंने R/100 लिखा हुआ है। यही चीज बिल्कुल सुविधा के लिए आप लिख सकते हो। पी क्या होता है यहाँ पे, पी होता है प्रिंसिपल, ठीक है, पी क्या होता है प्रिंसिपल। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड टी होता है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप लोग या कोई भी इंसान लोन ले रहा है। तो देखिए जब आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ISI P/R/T/100, तो इसी से अगर मुझे R निकालना है, रेट निकालना है, तो सारा इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर टाइम निकालना है तो बाकी सबको जो बस जाता है टाइम को छोड़ के सब आप लेफ्ट में भेजिए, जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो उससे टाइम निकल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप किसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, देखिए ये एग्जाम्पल 1 और 2 दे रखे हैं, इसको आप स्वयं करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे या मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ कि एक फार्मर है जो परचेज करता है सीड और फर्टिलाइजर को, उसके लिए करने उसको परचेज करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से लेता है और 2 साल बाद उसने 11,200 रुपए पे किए। तो अब बताइए कि किस रेट पे लोन लिया था। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना है, जितना लोन लिया था 10,000, वापस कितने किए 11,200, तो इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया होगा 11,200 में से ये घटा दीजिए, तो ये आ गया 1,200 ब्याज दिए होंगे, ठीक है, और 2 साल के लिए लिया था, तो सीधी सी बात है आप रेट क्या निकलेगा आप इसमें वैल्यू में पुट कीजिए, काट पिट के आंसर आ जाएगा, ठीक। वैसे बट टाइम, कितने टाइम के लिए कोई मनी जो है अपने आप ही डबल हो जाती है, लेकिन रेट 5 है, तो प्रिंसिपल हमें पता ही नहीं है इसमें, तो मान लिया पी अमाउंट हो गया डबल, पी का डबल कितना होता है 2P, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा अमाउंट में से, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, यानी 2P में से पी को एक बार पी को माइनस करेंगे, एक बार पी आ जाएगा, रेट दे रखा है, टाइम आप निकाल लीजिए विद फॉर्मूला, यहाँ पी से पी कट जाएगा और आराम से कट के 20 ईयर्स टाइम आ गया। तो देखिए इफ टाइम इज गिवन इन मंथ, अगर टाइम, ये थोड़ा नोट करने वाली बात है, अगर टाइम को मंथ में गिवन कर रखा है, टाइम अगर मंथ में गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ दे रखे हैं टाइम पीरियड, तो आप क्या करोगे 4/12 लिख दोगे, तो ये इयर्स में बदल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ टाइम जो है डेज में दिया होगा, तो एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 365 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज दे रखा है, तो आप क्या करेंगे ईयर में बदलने के लिए, इसको आप 90/365 कर देंगे और ये ईयर का पार्ट हो गया, यानी ईयर में कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, मंथ से ईयर में जाना है तो 12 से भाग करेंगे, और डे से ईयर में जाना है तो 365 से भाग करेंगे, अगर लीप ईयर दिया है तो अलग बात है। फाइंड द अननोन क्वांटिटी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी निकालना है, 50,000 प्रिंसिपल है, रेट नहीं पता, टाइम दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, और तो इसको आप निकाल सकते बड़े आराम से, ठीक है। पहले का पहला, तो आपको दिया क्या है प्रिंसिपल, 5,000 रुपए दिए हुए हैं, टाइम कितना है 5 ईयर्स है, और अमाउंट कितना है बच्चों
6500। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए जो कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके पता जाएगा। 6500 में से 5000 को घटा दीजिए, कितना आ गया ये 1500 रुपये आ गया ना, 1500 रुपये। तो ये यहाँ पे आप भर लेंगे 1500 रुपये आ गया यहाँ पे, भर गया ऐसे ब्लैंक। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है? तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 1500, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल टू पी हमारे पास है ही 5000, रेट नहीं है आर छोड़ दीजिए, टाइम 5 है अपॉन में 100। तो ये 20 से 20 तो कटी गई, अब बाकी सब आर यहाँ छोड़ के सब उधर भेज दीजिए, तो 1500 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी 50 ये भी ऊपर है ये भी नीचे आ जाएगा, जो नीचे है नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर चला जाता वर्क। अब इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट गया ना, 5 3 15 0 आ गया और 5 6 30, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया बच्चों 6%। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ लिख देंगे 6% पर एनम। नाउ सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, रेट दे रखा है 10% और सिंपल इंटरेस्ट है 8000 रुपए, अमाउंट कितना है 48000 रुपए। तो सीधी सी बात है अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, यानी 48000 में से आप क्या माइनस करेंगे 8000 को माइनस करेंगे, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 40000। क्लियर हो गया? तो ये आपके 40000 रुपीज आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बताइए क्या करना है हमें, अब हमें टाइम निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से सेम फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हमेशा ये लगाइए कभी गलती नहीं होगा। ये आपको दे रखा है 8000, भी आपने 40000 निकाल ही लिया, रेट 10% है, टाइम नहीं है, नीचे 100 लगाइए, 0 से 0 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ टी छोड़ के बाकी सब उधर भेज देंगे, अब आप देख रहे हैं जो ऊपर है वो नीचे आ गया 4000 और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, एक है वो रहने देते, 3 0 से 3 0 कट गई, 4 1 4 4 3 8, तो टी कितना आ गया 2 ईयर्स। क्लियर हो गया? टी आ गया 2 ईयर्स, तो यहाँ पे टाइम आएगा 2 ईयर्स। क्लियर है? नाउ सभी क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट रेट परसेंट निकालना है, 18000 सम ऑफ मनी जो है 27000 हो जाता है 4 साल में, सिंपल इंटरेस्ट पे बोल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको रेट निकालना है ना, व्हाट रेट, तो प्रिंसिपल है 18000 जो कि कितना बन जाता है 27000, यानी 27000 क्या है अमाउंट है, ठीक है, जितना हमें देना है या लेना है, टाइम आपको 4 साल दे ही रखा है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घट जाएगा, 27000 में से माइनस कर दीजिए 18000, तो कितना आ गया 9000 आ गया ना, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब बताइए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी, लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, अपॉन 100 बराबर 9000। क्लियर? अब हमें प्रिंसिपल दे रखा है 18000, रेट नहीं है, टाइम दे रखा है 4 साल, अपॉन में 100 है, इक्वल टू 9000, जो कटता है उसे काट दो, 20 से 20। यहाँ रेट छोड़ के सब हम राइट में भेज देंगे, तो जो ऊपर दिख रहा है ना वो रकम नीचे आ जाएंगी 180 और 4। अब इसे काटना शुरू करते हैं, ये हमने काट दिया, 18 कम 18 18 25 90 0 आ गया, और ये 2 दूनी और 2 25 आ गया, तो कितना आएगा रेट आ गया 25/2 डिवाइड करेंगे 12.5% आ गया। और ये किस क्वेश्चन का जवाब आया है, ये आया है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10000 का,
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल है 10,000। थर्ड क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इज रेट है 5.5%, 5.5%। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम देखिए क्या, अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 से 21, तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक कितना होगा, 1 साल, और फिर 31 मार्च 2020 तक 1 ईयर हो जाता है, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1 ईयर हो जाएगा, तो इस तरह से पूरे 2 साल हो जाएंगे। क्लियर है? कितने ईयर हो जाएंगे, 2 ईयर आएंगे। ये 2 ईयर कहाँ से आए, मैंने आपको समझा दिया। आप बड़े आराम से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, यानी PRT/100 कितना आएगा बच्चों, 10,000 × R है 5.5, D है 2/100। अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, 0 नीचे आ सकता है, चाहो तो 0 मल्टीप्लाई भी लिखो, चाहे कैसे। 3 0 से 3 0 कट गई, अब हमारे पास 10 × 5.5 × 2 बचा है, 5.5 × 55 कितना आ गया, 55 × 110, 1,100 रुपए आंसर आ गया। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।